हालांकि खुदा तो ऐलान भी कर चुका कि सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक्सा लज़ी बारकना हुलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। खुदा मेराज की आयत भी नाज़िल कर चुका। खुदा कसम खाकर व नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिरकुम वमा गवा वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। सूरह नजम में खुदा पैगंबर के मकाम बुलंद को बता भी चुका कि वो दना की मंजिल पर गया, फतह अल्लाह की मंजिल पर गया, काबा कौसैन और अदना की मंजिल पर गया। ये दो कमानों या उससे कम के फासले रह गए, ना उसकी पलक झपकी, ना वो झिझका, ना वो डरा, ना दरमियान में फरिश्ता, ना रास्ते में कोई कमी। वो फजा से गया, वो हवा से गया, वो खला से गया, वो कुरए बाद से गया, वो कुरए जमात से गया, वो कशिजे सकल से निकला। ना हवा ने उस पर असर किया, ना खला ने उसे हल्का किया, ना खला ने उसे हल्का किया, ना आग ने उसे तपाया, ना सर्दी ने उसे ठिठुराया। वो नूर था, अपने मरकज की तरफ चला गया, दरमियान में फरिश्ता भी रह गया, मेरे नूर के उस पार भी चला गया, मकामे महमूद पर भी मेरा रसूल चला गया, मकामे महमूद पर, मकामे महमूद पर मेरा रसूल चला भी गया। वहां मेरा रसूल आज से 1400 बरस पहले मकामे महमूद पर जा भी चुका। और हमारा पाकिस्तान का शरीयत माब टेलीविजन हर खबरनामे से पहले यही दुआ करता है कि परवरदिगार हमारे रसूल को पहुंचा दे उस मकामे महमूद पर जिसका तूने वादा किया। तवज्जो है, ये अजीब दुआएं हैं जो दी जा रही, ये शरीयत माब टेलीविजन है। वादा और पहुंचा उन्हें उस मकाम महमूद पर, यानी अभी पहुंचे ही नहीं, इनकी दुआ से पहुंचेंगे। ये शरीयत आ रही है, ये शरीयत आ रही है। यहां भी तक हर खबरनामे से पहले यही दुआ की जाती है, तू अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, इसलिए हम गुजारिश करते हैं पहुंचा दे उन्हें मकामे महमूद। इनके कहने से जाएंगे मैं जो बस जिनके नबी, हमारे कहने से, इनके कहने से मकामे महमूद तक पहुंचे और 1400 बरस में अभी तक पहुंचा ही नहीं, इसलिए मुसलसल दुआ हो रही है। तो फिर वो मुसलमानों का नबी तो नहीं है जो पलक झपकने में गया भी और आ भी गया, जो कायनात की गर्दिशें रोक कर सलावत भेजे ना मोहम्मद, कायनात की गर्दिशें रोक कर उस मकाम महमूद का।